ये पूरा 4 साल आपका सेवा कर दिया है, मतलब आपको आपके मदद से पूरा लोकेशन सब सिक्योरिटी रखने में पूरा आपका सजेशन लेके पूरा पुराना शहर को थोड़ा जो नाम है वो थोड़ा गड़बड़ हो जाता, ऐसा हो जाता ऐसा हो जाता, तो ये पिटी केस भी हुआ नहीं। लेकिन छोटा दो तीन इश्यूज में, छोटा मोटा इश्यूज में ये पूरा थोड़ा हालत थोड़ा गंभीर हो गया, मतलब पता नहीं थोड़ा टेंशन में आगे। सो इसीलिए अगर ऐसा करेंगे तो मतलब बिल्कुल पुराना शहर को कुछ ही प्रॉब्लम आ जाता, वो मासूम लोग बीच में अननेसेसरली इफेक्ट हो जाता, ज़्यादा लोग बिलो मिडिल क्लास है यहाँ, अगर कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो अगर कुछ ऐसा करेगा तो उनका फैमिली मेंबर्स का नुकसान बहुत हो जाएगा। तो इसीलिए सीपी साहब और डीसीपी साहब, नया डीसीपी साहब पर किशोर झा, पूरा डीजी साहब सीपी साहब सब उनके एफिशिएंस को चुनकर यहाँ रख दिया, बहुत समझदार है, बहुत नॉलेजी पर्सन है। मेरे को क्या है, इलेक्शन में बहुत बिजी है, इसीलिए थोड़ा उस टाइम में गणेश के बाद मोहरम गणेश के बाद ट्रांसफर होने के बाद भी वन वीक यहाँ रख दिया मेरे को 10 days, क्योंकि आई हैव फ्रीक्वेंटेड दिस इश्यू। अहमद साहब आया, आने के बाद थोड़ा इमीडिएटली चार्ज लेने के बाद मैं तुरंत जाना पड़ा, वो भी बड़ा कमीशन लेट है, नौ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंस से इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो गया। तो इसमें अगर उनका थोड़ा इंट्रोड्यूस करने के लिए क्या क्या चीज़ में क्या क्या मौलाना से रिलीजियस हेड से क्या इशू में एक बार बोलने के लिए वो सीपी साहब और डी जी साहब बुलाया, तो इसीलिए दो दिन से बहुत लोगों को और यहाँ सिचुएशन को बताया, ऑलरेडी इज एक्वेंटेड विद दिस ऑल इशू। ये दो दिन उनका असिस्टेंट करने के लिए लोकल पुलिस का, क्योंकि पूरा नया इंस्पेक्टर आए, सो इसीलिए मैं आ चुका हूँ। सो दो दिन के लिए, तो कल आज ही ये मीटिंग होने के बाद एक बड़ा लोगों से मीटिंग होने के बाद वहाँ जाना पड़ता है, कल इलेक्शन कमिटी का मीटिंग भी है मेरा। सो ये पूरा रामगुंडम मच्छरिया वहाँ से पूरा फाइल्स ला रहे हैं। मेरा एक ही बात बोल रहा हूँ मैं, हमारा बहुत सेक्युलर कंट्री है, हर एक कॉन्सेप्ट को हर एक सिद्धांत को बिलीव कर सकता है, मान सकता है, बट अदर लोगों को हट नहीं करना। पूरा लिखा हुआ है 25 to 28 आर्टिकल्स तक राइट ऑफ रिलीजन, छोटा छोटा और थोड़ा हट करने में ये पूरा प्रॉब्लम आ जाता। वो अंदर सली ठीक है, कॉन्सेप्चुअल कुछ थ्योरेटिकल डिफरेंसेस है, हर एक हिंदू हो मुस्लिम हो, मेरा अभी दो गनमैन है, एक ड्राइवर आया रामगुंडम से, ये कल से देख रहा है, वो लोग बाहर है, वो बोल रहा है अच्छा मुस्लिम में दो कम्युनिटी होता है, मेरे को मालूम नहीं, बोल रहे अभी बोला मेरे को, इतना दूर से होता है साहब मेरे को मालूम नहीं अभी तक, मैं रामगुंडम मंचिरिया में हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ हिंदू एक है मुस्लिम एक है, लेकिन ये ग्रुप से ये डिफरेंसेस से मेरे को मालूम नहीं, अभी बोला मैं, इसीलिए आपको उन लोगों के सामने बोल रहा हूँ। तो इसीलिए जो बिलीफ है मान सकता है, लेकिन दूसरों को बिलीफ को हट नहीं करना। इसी मामले में थोड़ा एंटी सोशल एलिमेंट्स, थोड़ा सोशल मीडिया, थोड़ा टेंशन बढ़ाने के लिए, उनका एडवांटेज के लिए ज़्यादा टेंशन रखने के लिए कोशिश करता, तो इसीलिए आपका सजेशन, उन लोगों का सजेशन लेके सीपी साहब जो कार्रवाई करना है सख्ती से करेंगे, जो आदमी जान पूछ कर अदर सेंटिमेंट को हट करने के लिए कोशिश करेंगे डेफिनेटली एक्शन लेना है। आपको मालूम है जो
राजस्थान में कैसे स्टेटमेंट्स आया कामा के बारे में, तो इमिडिएटली यहाँ इंडिया में आए तो समझदार है, जो कुछ तकलीफ है तो इमिडिएटली उनको बोल के ये हो रहा है थोड़ा एक्शन लेना, ये लेना, थोड़ा अच्छे तरह सपोर्ट देने के लिए मैं आपको अपील कर रहा हूँ।